कि YouTube चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेनिंग चाणक्य डॉट कॉम पर। फटाफट से दोस्तों 4 जून 2018 का न्यूज़ अपडेट ले लेते हैं कि भैया क्या क्या मार्केट के अंदर आज इम्पोर्टेंट घटा है और जो आपको हेल्प कर सके मार्केट के अंदर निवेश करने में या ट्रेडिंग करने में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले अपडेट से। पहला अपडेट आता है दोस्तों सेबी की तरफ से। सेबी ने NRI नियंत्रण फंड पर बढ़ाई सख्ती। दोस्तों ये होता क्या है ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर आप सभी को पता है कि काला पैसा बहुत है। बहुत लोग मैं कहता हूँ कि मोस्टली लोग अभी भी टैक्स देने से गवर्नमेंट को अपने आप को रोकते हैं और उस पैसे को कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई तरीका निकालते हैं ताकि वो वाइट हो जाए गवर्नमेंट की नज़र में और वो उसका आराम से प्रयोग कर सके। अब लोगों ने एक नया तरीका अपना रखा है। वो क्या करते हैं कि जो भी ब्लैक पैसा भारत से निकलता है उसको वो अपने फॉरेन में यानी बाहर किसी देश में रहने वाले किसी दोस्त रिश्तेदार या कोई भी हो उनको वो पैसा भिजवाते हैं और उस पैसे से वो क्या करते हैं कि भारत के शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं उसी पैसे का। और आपको पता है कि शेयर बाज़ार में अगर 1 साल हो जाए या 2 साल हो जाए तो वो पैसा एक नंबर का होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो वो क्या करते हैं वो अपनी इतनी होल्डिंग रखते हैं और वापस उस पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं और उनका सारा पैसा ब्लैक का वाइट हो जाता है। तो ये दोस्तों एक तरीका है। इस तरीके के कारण ही काफ़ी सारी शिकायत या कुछ भनक लगी थी सेबी को कुछ दिनों पहले। किसी गुप्त नाम के आदमी ने ये खबर दी कि इस तरीके से हो रहा है तो उन्होंने क्या करा सेबी ने एक सख्त रुख अपनाया और जितने भी इस तरीके के फंड्स हैं जो NRI के नियंत्रण में होते हैं उनकी सबके अकाउंट्स की पोर्टफोलियो की हर चीज़ की जानकारी मांगी है ताकि वो एनालाइज कर सके और उसको पैसे को ब्लॉक कर सके। लेकिन जब खबर सबके सामने आ जाती तो लोग क्या करेंगे भैया जो NRI नियंत्रण वाले हैं क्या उनको नहीं पता लगा वो इस तरीके के सेबी ने करा है तो वो पहले ही अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें कभी भी बोली नहीं जानी चाहिए, ये अपने आप ही अंदर ही अंदर होनी चाहिए। ये एक गलती है जो भारत के अंदर है और ये मेरे ख्याल से पता नहीं कब तक दूर होगी। चलिए सेकंड दोस्तों जो अपडेट आता है वो आता है कि मेटल शेयर और अधिक गिर सकते हैं। अमेरिका ने लगाया टैरिफ 25% का कनाडा यूरोपीय संघ और मेक्सिको पे। दोस्तों अमेरिका ने एक टैरिफ लगा दिया 25% का जो एक अस्थायी टैरिफ है। अब इससे होगा क्या जो हमारी मेटल शेयर कंपनियां हैं जो कि वहां से निर्यात करती है, निर्यात और आयात दोनों होता है, तो उनको इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो मेटल शेयर्स है जैसे कि हमारा टाटा मेटल्स है प्लस हमारा हिंडाल्को है पर जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं जिनका इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उनको इससे बड़ी प्रॉब्लम होगी और उनके कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में असर आता है और वो एकदम मैंने कहा कि एकदम मैन्युफैक्चरिंग रेट वो नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन उनको महंगा खरीदना पड़ सकता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो शेयर पे दबाव डालते हैं और जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो लोग हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी मिल जाती है और वॉलेटिलिटी के कारण उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। अगर वो कुछ प्रॉफिट के लिए इसके अंदर घुसे हैं तो अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाना चाहिए। तो मेटल शेयर्स पे रहे ध्यान और इसकी वजह से प्रेशर ज़रूर आएगा दोस्तों मेटल शेयर्स में। चलिए अगला अपडेट दोस्तों आ रहा है कि नौ सरकारी बैंकिंग कंपनी रिकवरी के फंडे अपना रही है 2 साल के अंदर। दोस्तों ये एक न्यूज़ आ रही है कि नौ सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने जो भी लॉस उन्होंने करा उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए वो कोशिश कर रही है। सुधारने का देखिए तरीका इन्होंने क्या अपनाया है कि काफ़ी सारी तो इन्होंने जो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी उसको बंद करेंगे ताकि एक्सपेंसेस कम हो जाए और एक्सपेंसेस कम करके उसको लॉस को पूरा करें, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या तरीका अपनाया है कि कुछ अपना हिस्सा गैर सरकारी कंपनी को मतलब गैर बैंकिंग कंपनियों को दे दे, जैसे कि LIC है, रियल इस्टेट है और म्यूचुअल फंड्स है, तो इस टाइप की कंपनी को कुछ हिस्सेदारी बेच दे और वो हिस्सेदारी बेच करके अपने लॉस को कवर करे। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए लॉजिकली तो ये कोई रिकवरी का तरीका नहीं है, ये तो आप अपने एसेट्स ही माइनस कर रहे हो, अपने एसेट्स को कम करके आप लॉस की रिकवरी कर रहे हो। तो ये तो वही है ना कि कोई आदमी अपने घर के बर्तन बेच करके परिवार वालों को खाना खिला रहा है तो वो बर्तन कब तक बेच के खिलाएगा। तो ये तो दोस्तों वही वाली बात है कि बर्तन बेच करके ये अपने खाना खिला रहे हैं। आप देखते हैं जितने इनके पास कब तक बर्तन बचे हैं और कब तक ये करेंगे। लेकिन
सुधार आएगा ज़रूर, कब तक आएगा वो देखने वाली बात है। चलिए, और हमारा जो अपडेट आता है वो लास्ट अपडेट है कि भारतीय शेयर बाज़ार ने जीता दुनिया भर के निवेशकों का दिल। क्या फंडा है दोस्तों, हमें सभी पता है कि ये विकासशील देश है, यानी ये अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी कंट्री है, विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है अब तक भारत। लेकिन जितने बड़े बड़े विकसित देश हैं, जैसे कि हमारा दक्षिण कोरिया है, हमारा चाइना हो गया, हमारा मैक्सिको हो गया, हमारा अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, जितनी भी बड़ी कंट्रियाँ हैं, उन सब के शेयर बाज़ार के मुकाबले भारतीय शेयर बाज़ार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। रीज़न क्या है, अच्छा क्यों रहा है? भाई पहली बात तो भारतीय शेयर बाज़ार पे काफ़ी दुनिया भर के जो निवेशक हैं उनका बड़ा फेथ है। अच्छी कंपनियाँ आपको यहाँ मिलेगी भारत में, जो एक विकासशील देश में इतनी बड़ी कंपनियाँ अमूमन नहीं मिलती है। अगर आप बांग्लादेश की बात कर लो या श्रीलंका की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, तो जितनी बड़ी कंपनियां हमारे देश में है विकासशील होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका मार्केट कैप है, इतना बड़ा मार्केट कैप किसी विकासशील देश में मिलना बड़ा मुश्किल है। और प्लस सबको ही पता है कि भारत के आने वाले 20 साल भारत के नाम है, तो जितना ज़्यादा हम कर लेंगे इस 20 साल के अंदर ग्रोथ, उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए निवेशकों का दिल रहा, और प्लस भारतीय शेयर बाज़ार की परफॉर्मेंस अनदर शेयर बाज़ार जो देश है उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन रहा। जहाँ वो 1% से लेकर 10% तक लुढ़के हैं, वहीं हमारे शेयर बाज़ार ने कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी और एक सस्टेन रहने में मदद करी है, और जिस वजह से निवेशक जो है यहाँ पर पैसा लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा फेथफुली सोच रहे हैं कि यहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो यह दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट थी, पसंद आई हो ज़रूर बताइएगा। कोई अगर वीडियो का आपका सजेशन है तो सजेशन आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देखिए, बताइए। और जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।